नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे यानी 2 दिसंबर को हमारे पूरे वर्ल्ड की बात करें उसमें नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे जो है मनाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पोल्यूशन जो है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो अफेक्ट करता है। उसी के साथ हम बता दें अगर हमारी जिंदगी इफेक्ट होती है, जिस हिसाब से अगर हम बात करें हमारी दिनचर्या को किस तरह से इफेक्ट करता है, और उसी के साथ जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसे किस तरह से इफेक्ट करता है। और आप जानते हैं कि पोल्यूशन का जो सबसे घातक असर है वो हमारे फेफड़ों पर यानी हमारे लंग्स पर पड़ता है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि इंडिया नेशनल इंडिया पोर्टल के अनुसार, उनकी रिपोर्ट के अनुसार 7 बिलियन पीपल हैं जो साल में जो है पोल्यूशन की वजह से जिनकी जो है जान जाती है, और 9 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो पोल्यूशन से इफेक्टेड होते हैं हर साल। और अगर हम बात करें इन सबको मिलाकर यानी 10 में से 9 ऐसे इंसान हैं जिनकी जो है जो पोल्यूशन से इफेक्टेड है। वहीं मैं आपको बता दूं आज जम्मू में जो है नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे पर आज एक दिन का अवेयरनेस जो है अगर हम कहें यहाँ पर सेमिनार कराया जा रहा है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि पोल्यूशन किस तरह से इफेक्टेड है। आप जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने रोड्स की, तो हर दिन रोड्स पर जो है कितनी गाड़ियां चलती हैं, और गाड़ियों को जो है पोल्यूशन चेकिंग करवाना बहुत अनिवार्य किया गया है। उसी के साथ आप देखेंगे कि जिस तरह से जो पोल्यूशन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन है वो आउटडोर पोल्यूशन है जो इफेक्ट करता है पर्सन को। वहीं पर मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने आज जो है एक दिन का अवेयरनेस वर्कशॉप जो है यहाँ पर डेयरी वेस्टेज, यानी आप समझ गए होंगे कि डेयरी वेस्टेज यानी काउडंग से जुड़े हुए सामान को जो है यहाँ पर रखा है। और मैं आपको बता दूं आज जो है जम्मू में नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे जो है वो मनाया जा रहा है। आप पहले तस्वीरों से मैं आपको बताना चाहूंगी, फिर इनसे बात भी करेंगे। मैं ये बता दूं आपको कि जिस तरह से हम काउडंग की बात करते हैं, तो देखिए आपने कभी देखा होगा या कभी सोचा होगा कि उससे ये ट्रेस भी बनाई जा सकती है। बिल्कुल ये सर हमें दिखा रहे हैं। और मैं सबसे विचित्र बात आपको बता दूं जो आपको देख के हैरानी होगी, यहाँ पर आप ये मास्क देख रहे होंगे, ये बिल्कुल काउडंग से बनाया गया है। लेकिन ये आप देखिए कि जिस तरह से हमारे पास डिस्पोजेबल मास्क होता है बिल्कुल उसी आकार में जो है इसे भी बनाया गया है, और आप इसे देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। बाकी मैं आपको बता दूं अगर किताब की बात करते हैं, किताब जो है आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल काउडंग से बनाई गई है, और बिल्कुल किसी भी चीज में जो है इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं शॉपिंग बैग, ये शॉपिंग बैग और इनकी कीमत जो है, कीमत भी है 99 रुपीज जो है यहाँ पर इनकी कीमत है। वही मैं आपको आगे की तरफ लेके चलती हूँ, और पहले इनसे बात कर लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? पूर्ण सिंह। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी ये चीजें सिर्फ काउडंग से मिली हैं या इसके बीच में किसी और चीजों को भी मिक्स किया? ये 100% काउडंग का है, इसमें कोई दूसरी चीज बीच में मिक्स नहीं है। प्रोसेस जानना चाहेंगे लोग, थोड़ा सा इसका प्रोसेस जानना चाहेंगे कि कैसे बनता है काउडंग को, आप कैसे इस्तेमाल में लाते हैं? ये तो फैक्ट्री में मशीन में प्योर मतलब काउडंग ही इस्तेमाल होता है इसमें। इसमें कोई लकड़ी बोर्ड वगैरह नहीं। इसमें पानी अगर पड़ जाए तो क्या ये मास्क खराब होगा? ये रेगुलर पानी पड़ेगा तब खराब होगा, वैसे हल्के फुल्के पानी से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हल्के पानी से कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एनवेलप बनाए गए हैं, जब आप शादी में जाते हैं और आप इस एनवेलप का यूज करते हैं पैसे डालने के लिए, यानी शगुन के तौर पर आप किसी को शगुन देने के लिए, तो काउडंग पेपर से ये बनाया गया। देखिए सर इन चीजों की बात करते हैं, जब ये लोग आ रहे हैं और इस तरह की प्रदर्शनी देख रहे हैं, कैसा क्या रिएक्शन है लोगों का? ये लोग काफी अच्छा फील कर रहे हैं। और इसके बारे में जानना चाहेंगे ये क्या है? ये हवन कुंड है, जो घर में हम हवन वगैरह करवाते हैं, इसमें काउडंग के साथ बाकी सारी सामग्री मिली हुई है, और आप सुबह शाम इसको घर में जलाओ, बिल्कुल हवन कुंड वाली आपको इसकी फीलिंग महसूस होती है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये आप देख पा रहे होंगे ये दूध की जो है बॉटल्स है यहाँ पर, और आप देखिए बिल्कुल ये जो दूध है इनसे जानते हैं, और ये बहुत थिक है जैसे मैं ये देख रही हूँ, तो इनसे जानते हैं और इसके बारे में भी जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? रौनिक शर्मा। रौनिक जी सबसे पहले इस दूध को एक्सप्लेन करें कि ये किसका दूध है, किसके काम आता है? जी होता है कि ये है गीर गाय का दूध। हाँ। जो इसे बोलते हैं कैलेस्ट्रोल, वो नहीं बढ़ते हैं, और इसमें A2 प्रोटीन होता है जो बच्चे कई बार पी नहीं पाते हैं, मतलब इसे इसमें दूध में मिठास होती है, वो बच्चे खुश होकर पी सकते हैं। इस दूध में पहले से ही मिठास है और मिठास ऐड करने की जरूरत नहीं, नहीं। इसके बारे में जानना चाहते? जी है ऑर्गेनिक खाद जो वर्मी कंपोस्ट होता है ना, इसमें गोबर को 2 मंथ उसको ड्राई करके फिर अर्थ वार्म होते हैं उसके साथ तैयार करके फिर हम सेल करते हैं। क्या मात्र इस एक बॉटल का प्राइस क्या?
इसका जी हाफ लीटर हम लीटर देते हैं 75 रुपीज़। मतलब कम दाम है हाँ, कम दाम, और फायदे बहुत, फायदे बहुत। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं काम? कोई ये हमारा हमारी अपनी डेयरी है स्वांजना में, हम दो ये 40-50 बोतल जाती है सुबह। चलिए मैं आपको बता दूं, वैसे काउडंग से जुड़ी हुई चीज़ें मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं ये देखिए गणेश जी, ये भी जो है वो काउडंग से बनाए गए हैं। तो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ गणेश जी की, छोटे साइज के, उससे थोड़े बड़े साइज के, और ये बहुत बड़े साइज के। तो गणेश जी, और जिस तरह से ये देखिए आप, ये जो आकृति है ये सारी जो है काउडंग से की गई है, जो घर पे दिए का हम इस्तेमाल करते हैं दिवाली पे। इसमें सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। ना, मेरा नाम है अंकुश मेहरा। अंकुश जी, इसके बारे में बताइए कि आपने ये जो काउडंग है कैसे इसको प्रोसेस में लाया। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताऊंगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दिशा वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमारे जितने भी आप प्रोडक्ट्स देख सकते हो ये सारे के सारे ही गोबर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारा एक मेन इनिशिएटिव है लोग एट अ प्रेजेंट टाइम में जो हमारा यूथ है, जो हमारे लोग हैं, कौ की अहमियत को, कौ की इंपॉर्टेंस को भूल चुके हैं। तो हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द काउडंग। तो हमारा एक और मेन मोटिव है, जैसे कि आप देख सकते हो लोगों ने अपने घरों पर गायें रखी है, जब तक कि गायें दूध दे रही है तब तक तो वो गायें उन लोगों के लिए काफ़ी काफी बेनिफिशियल है, काफी अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं। जैसे ही दूध देना गाय बंद कर देगी, लोग उनको रोड पे छोड़ देंगे, तो उनसे ये होता है कि ये काज ऑफ एक्सीडेंट्स भी होते हैं और एक गाय के लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता। आपके जो आपने बताया कि आप इसका अपने एनजीओ का नाम बताना चाहेंगे, ये कहाँ पर है और कितने लोग इससे जुड़े हैं? मैम एक्चुअली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दिशा वॉलंटियर्स, इसमें तो हमारे काफी वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटरली इको फ्रेंडली या इकोसिस्टम रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। बट हमारा दिशा के अंडर ही एक स्टार्टअप है संभव इको अल्टरनेटिव्स का, ठीक है, उसके अंडर ही हमारा सारा प्रोजेक्ट आता है। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सिद्रा में, आप हमारा प्लांट लगा है वहाँ पे, आप सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। और भी चीजें जानना चाहूंगी, जैसे ये मेरे को बिल्कुल दिख रहा है कि आपने राउंड शेप में ये काउडंग जो है किया, ये किस तरह से आपने किया? मैम ये आप देख सकते हो कि हमारे ये काउडंग के लॉग्स है, जैसे कि हम मार्केट में देखते हैं कि हम लकड़ी के लॉग्स यूज करते हैं, उसके लिए हमें काफी पेड़ काटने पड़ेंगे और पेड़ काटने से हमारा इकोलॉजिकल जो भी बैलेंस है वो सारा खराब होगा। तो इसीलिए हमने कौ के ढंग से ये लॉग्स बनाए हैं, ये आपको ये हमारी मशीनरी देख सकते हो। मशीन पहले आपको बताना चाहूंगी अंकुश जी, फिर आप इस मशीन के बारे में बताइएगा। पहले शेप में आप देख पा रहे होंगे कि यही वो, और लिखा भी गया है गायें बचेगी तो देश बचेगा, यानी आज आपने ये भी देख लिया कि काउ डंग जो है वो वेस्ट नहीं है, उससे भी कितनी जो चीजें हैं वो बन सकती हैं। तो साथ में मैं आपको बता दूं, उस मशीन से यही जो लॉग्स हैं वो निकले हैं काउ डंग के। और यहाँ पर आप फ्लावर पॉट जैसे देखते हैं कि घरों पर आमतौर पर जो फ्लावर पॉट होता है ये। अंकुश जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पौधों को हम पानी देते हैं, अगर हम इससे पानी डालेंगे तो क्या ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा शेप में या इसके आकार में कोई फर्क आएगा? मैम एक्चुअली जैसे दे सकते हो ये एक नेचुरली गोबर से बने प्रोडक्ट है, हम इसको पानी देंगे पर एक लिमिटेड क्वांटिटी में देंगे और एज ए इसको हम मैक्सिमम इंडोर प्लांट्स में यूज करेंगे। जैसे कि हम इसको लिमिटेड अमाउंट में पानी देंगे, ये गोबर है पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा, ये नहीं है कि हम इसको रोज ज्यादा ज्यादा पानी दें, ये तो नेचुरली है, ये गोबर है, ये डिकम्पोज होगा ही, बट हम इसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में पानी दें जो गोबर अब्सॉर्ब भी कर ले और ये अपने आप अगले दिन तक सूख भी जाए, तो ऐसे ही इसकी लाइफ एक्सटेंड होते रहेगी। तो जिस तरह से हमने पानी की ये बात कही, इसमें कम मात्रा में जो है इसे पानी देना है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि घरों में आप इंडोर प्लांट्स के लिए जो है इसे यूज कर सकते हो, तो वहीं पर आज आपने देखा कि नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे पर बहुत सी आकृतियां, बहुत सी चीजें आपको ऐसी देखने के लिए मिली, जो शायद मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने एक बात कही कि अगर हमारा जो जानवर है यानी गाय की बात की है वो दूध देना बंद कर देता है तो वो हमारे लिए बेकार हो जाता है, वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है, उससे ये सब चीजें जो है आपकी बनाई जा सकती हैं। और उसके बाद जो है आज काउडंग की बनी हुई आकृतियां देखिए, और आज नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे है और पोल्यूशन को रोकने के लिए आज यहाँ पर एक वर्कशॉप लगाई गई है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किस तरह से आप पोल्यूशन को रोक सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो बहुत घातक सिद्ध हो रहा है और दिन ब दिन जो है हम लोगों के जीवन पर जो है उसकी क्वालिटी को जो है वो बिगाड़ रहा है। तो आज नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे था, हम भी यहाँ पर आए थे और हमने सोचा कि चलिए आपको जो है मुखातिब कराया जाए कि काउडंग से क्या कुछ चीजें बन सकती हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम्मा लटन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफिज़।